दादी छो, पप्पी दे सकती दारू तुम्हारे तुम्हारे जो डॉल हाउस के बाजू में इतना कचरा है मैं पुलिस बुला दूंगी सच में दैट दिस लेडी ऑफ द डॉल हाउस इज टू मच डूइंग कचरा ओवर हियर तुम ये करती हो इतना शाला तोइश तुम केचे लगती हो <laughs> मंकी जैसा हेयर है तुम्हारा सिर, सिर्फ डॉलस में डाल दोष तो माया है ओके हाँ जी मॉर्निंग मेरी हो गई है। पहले हम लेंगे आज शावर इतना लेट उठ रहा है बच्चों का वेकेशन है तो पहले लेंगे स्नान क्योंकि हमारे बाल हो गए हैं बहुत कड़क तो इस कड़क बाल से कर रहा बन गया मेरे पास कंडीशन भी नहीं है यार खत्म हो गया मैं ला भी नहीं रही हूँ है तो वाह धो लिया शांति से अब जिम के कपड़े पहनेंगे हम जीम की के कपड़े पहनने के बाद हम रेडी होएंगे रेडी होने के बाद हम सुंदर फील करेंगे आप लोग नहीं होते क्या सुबह सुबह रैडी मैं चाहे कहीं जाऊँ या ना जाऊँ घर में हम रैडी होके बैठते रेडी मुझे सिर्फ लिपस्टिक और ब्लश चाहिए होता है एनी anyway, इसके बाद में जहर एंड um, बच्चों को इकट्ठा करना नमाज के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है एंड एक के बाद एक लाइन से आता है एक के बाद एक लाइन से आता है कसम से है ना पन, दस पंद्रह मिनट तो उसी में निकल जाता है कि उन लोग को समझाओ बोलो साथ में पढ़ो और मेरे छोटे वाले को देखो मेरा सबसे फेवरेट मोमेंट है नमाज़ के बाद में हगिंग एंड कडलिंग बेस्ट पार्ट कोई लास्ट वाले ब्लॉग में पूछ रहा था कि ये कुरान कहाँ से मिलेगा काफ़ी ईजिली अवेलेबल हो जाता है ये क़ुरान आज के पकवान में बनेगा एक टाइप का दाल जो दाल मैंने पहले कभी देखा नहीं लेकिन मैं खरीदी हूँ चिकन ब्रेस्ट मेरे घर में डेली बनता है साथ में एक के जी चिकन बनता है आप लोगों को ये दाल पता है ये क्या है ये मूंग दाल जैसे नज़र आता है बट ये है क्या पता नहीं काफ़ी टेस्टी होता है हमने बनाया था वैसे घर में आज मैंने अपने फ्लिक्स काटे यानी फ्रंट का जो बाल है ना वो थोड़ा काटा ये जो ग्रीन बाल आप मेरा देख रहे ना वो इतना ब्रिटल हो गया इतना ब्रिटल हो गया है लाइक उसमें जब गीला होता है वो बाल तो उसमें जब मैं हाथ डालती हूँ तो फिर वो क्या कह कहते हैं मतलब सिल्कीली ऐसे बाहर नहीं आता मेरा हाथ तो वैसे ही मेरे बाल काफ़ी फ्रंट के बाल लंबे हो गए थे स्टाइलिंग के लिए मैंने काट दिया <coughs> आप देखिए मैंने कैसे काटा घर के किचन से जैसे काटा बदतमीजी की एक हाथ मैंने पार कर चुकी है <laughs> देखो वन टू थ्री एंड नो नो फर वैन इज़ हेयर बिल्कुल कुछ नहीं चाहे वो सीधा काटा है मैंने आड़ा काटा है टेढ़ा काटा है पता नहीं क्या किया हुआ है मैंने बस मैंने काट दिया हिम्मत हिम्मत और वो अच्छा भी नहीं दिख रहा है यक उसको थोड़ा थो थो स्टाइलिंग और शेपिंग करा जाएगा देखें तो फिर चली मैं अपने देवर की बारत ले के लो चली मैं अरे चली मैं जिम कहीं नहीं और रियाद का ट्रैफिक इतना भयंकर है यू कैन नॉट प्रेडिक्ट प्रडिक्ट रियाद में सुबह में दोपहर में शाम में या कहाँ में और कब में ट्रैफिक कम रहेगी या ज्यादा रहेगी अपने बॉम्बे में हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते थे भाई इतने बजे के बाद में निकलो ट्रैफिक बहुत ख़राब रहती है इतने बजे के बाद में निकलो ट्रैफिक बहुत अच्छी रहती है फलान टिम मैं पहुँच गई अपना जिम बॉडी मोशन ठीक है अच्छा है जिम लेकिन The staff is super super rude and not friendly at all. I don't even like the staff. When I see the staff, I feel like mm, the day has gone really very bad. So I don't like the staff at all. मैं हेडस्टैंड करती हूँ. आप लोगों को दिखाना चाहती थी इसलिए मैंने आधा सेंसर्ड वर्जन डाला है. Anyways अब मैं रेडी हो गई. मैं जिम मैं भी रेडी होती हूँ नहाने के बाद. मैं जिम करने के बाद मैं भी नहाती हूँ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ लिपस्टिक वगैरह लगाती हूँ जिम में ऑलमोस्ट असर का टाइम हो गया था ऑलमोस्ट मग़रब का टाइम हो गया था असर मेरा छूट नहीं हुआ था मेरे को प्यारी शर्व की ओल्ड गाड़ी नज़र आई तो मैंने वीडियो निकालने की कोशिश की बाहर आई तो स्वागत अब मेरी बेटी खड़ी हुई थी घर पहुँच गई मैं अब जाके मैं खाना पकाऊंगी नहीं अब मैं पहले खाना खाऊँगी तो आज की रेसिपी मैं आपको मिलेगा Uh, पनीर पनीर भुर्जी ठीक है मैंने अपना स्लिम पी लिया मेरा यूनिमाटिक खत्म हुआ हुआ है आएगा इन जल्दी जल्दी yeah. तो स्लिम खाने से पहले बिकॉज इसमें है सेवन डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर विथ मल्टी वाइटामस बेसिकली ऑल द प्री नेटुर वाइटमिन जो होते हैं ना वो सारे इसमें मौजूद है तो अगर आप वाइटामिन ले रहे हो तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें मौजूद है और खुराक की शक्ल में मल्टी वाइटामिन ज़्यादा अब्जॉर्ब होते हैं तो या आज जो है ना देखो पनीर एक के जी है मैं फटाफट बताती हूँ कैसे बनाना है पहले थोड़ा तेल तेल के साथ ही साथ फिर थोड़ा सा बटर एक हाथ में सॉरी एक हाथ में आ, कैमरा और एक हाथ में काम नहीं होता हमसे हमको कोई कैमरा मैन चाहिए यार घर में सही मैं सच बता रही हूँ मैं ठीक है इसको मेल्ट होने दे दो हैं मेल्ट जब ये हो जाएगा तो इसके बाद जो है ना इसके अंदर हम मैंने सोचा कि ज़ीरा डालूँ अब मैंने कैमरा सेट कर दिया है ठीक है इसमें मैंने जिंजर गार्लिक डाला जिंजर गार्लिक डालने के बाद मैं इसको हल्का सा चलाओ थोड़ा ऐसे और उसके बाद मैं डायरेक्ट मैं पनीर डाल दिया मैंने इसमें हाँ देखो देखा हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया घुमा 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 घुमाओ और इसके बाद सीधा पनीर डाल दूँ कित्या पनीर आ पनीर आजा अरे मैं थोड़ा इसको ही ब्राउन करी हाँ पनीर को अभी अच्छे से थोड़ा फ्रोजन एक्चुअली वो सॉफ्ट होना चाहिए था थोड़ा इसको मतलब ऐसे घुमाओ चलाओ 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 अगर फ्रोज़न नहीं होता तभी तो के तभी भुर्जी मार सकते हो आप ठीक है मैंने इसको थोड़ा ढाक कर पकाया यार मैंने जो है ना वो काली दाल को बस नमक के साथ थोड़ा उबाल लिया ठीक है अब मेरे पास चिकन स्टॉक पड़ा हुआ था मैंने चिकन उबाले हुए थे कोल्सलो सैंडविच के लिए चिकन कोल स्लो सैंडविच के लिए तो मैंने उसका पानी उसमें दाल में डाल दिया बहुत ही टेस्टी बना अब मैं मसाला निकाल रही हूँ भुर्जी के लिए मुझे आदत है कि प्लेट में मसाला स्टाइल में निकाल कर रखो मुझे अच्छा लगता है पकाने के टाइम पर वो ऐसे थोड़े थोड़े करके डालना नहीं पसंद मुझे ज़ीरा पाउडर खत्म हो गया था देखो रेसिपी में ये है लाल मिर्च धनिया हल्दी एंड ज़ीरा ख़त्म हो गया था तो रंबी फटाफट पीस रही है ज़ीरा तो मैं रंबी से ले लूँगी अभी ज़ीरा एकदम फटाफट देखो एकदम ताज़ा फ्रेश ज़ीरा और श्रीलंकन लोग ज़ीरा पाउडर को पता है क्या कहते हैं महाडूरू महाडूरू पाउडर पानी छूट गया पनीर का विच वॉज़ नॉट एडवाइजेबल अब मैंने इसमें डाल दिया मसाला बहुत टेस्टी बना था अरकान को इतना पसंद आया मैंने इसमें डाले फिर पांच हरी मिर्चें काट कर थोड़ा सा टमाटो प्यूरी यस मैंने कोई भी प्याज टमाटर नहीं डाला यूजुअली मैं प्याज टमाटर सब लगाती हूँ भुर्जी में बट ये टाइम प्याज टमाटर नहीं बनेगा सॉरी प्याज टमाटर के लिए मेरे पास टाइम नहीं था मैं जिम से आके बहुत हंगली थी ठीक है तो चॉप करके चिली डाल दिया मैंने इसके ऊपर आएगा कोतमीर और नींबू एंड द डिश रेडी फिर मैंने रोटी को डायरेक्ट आंच पे सेका मुझे रोटी इस तरह बहुत पसंद है जली हुई और डायरेक्ट आंच पे सीखी हुई इसके बाद मैंने अपना खाना खाया और वी हैड टू गो टू कराटे बच्चों को मैं कराटे लेकर जाती हूँ एंड बच्चों का दुआ सुन लो ऑप्शन قلنا له بكريم بكريم لنا لنا कराटे जाने से पहले बहुत सारे किसेज बहुत सारे हग्स बहुत सारा लाड प्यार एंड टाटा बाय बाय फिर एक घंटा मैं वहीं पर नीचे बैठ कर सड़ते रहती हूँ मोबाइल पर कुछ ना कुछ रील्स देखती हूँ फिर घर आ गई मैं एंड इसके पता नहीं पैर में दर्द हो रहा था अम, फिर हम गए एक रिश्तेदार के यहाँ मिलने एंड uh, मैं कोशिश करी किंगडम टावर को मैं जूम करूँ हो रहा नहीं है एनीवेज मेरा स्क्रीन इतना ख़राब है स्क्रीन मतलब गाड़ी का विंड स्क्रीन हम उनके घर गए बच्चे वहाँ खेल रहे थे मिले वगैरह फिर घर आके आज पार्टी थी पार्टी यानी घर की छोटी पार्टी मैंने तबाह के इंडो नूडल्स बनाया एंड uh, मैंने बनाया है शीशा पूरा शीशा बनाने का आपको कोर्स दे सकती हूँ मैं आप देखें आगे आगे कैसे मैं शीशा बनाती हूँ एकदम उमदा एकदम बढ़िया एकदम अमेजिंग <laughs> बेटी को मैंने काम पे लगा दिया था कि भैया तू जो है ना पूरे मसाले निकाल के एक बोल में डाल दे क्योंकि जब पानी फेंकेंगे नूडल्स मिलाएंगे तो फिर मसाले एक साथ मिलाने के लिए बहुत आसान हो जाता है तो मैं बना रही थी ये तरफ से शीशा और वो बना रही थी मसाले के पैकेट खोल रही थी सारे मसाले शायद उसने बराबर से डाले नहीं होंगे ओके <laughs> okay. हो गया हमने शीशा विशा पिया नूडल्स वूडल्स खाया चाय वाय पिया एंड देन पूरा दिन ख़त्म